एसडीएम बहू ने कटवा दी नाक। दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है ससुर की हालत। कैमरे के सामने जोर जोर से रोने लगे आलोक की भी बिगड़ी तबीयत। आलोक से सीधे बढ़ गया मनीष दुबे। कहा सबको सिखाएंगे सबक। पहली बार मीडिया के सामने आया, बता दिया अफेयर की सारी कहानी, हर कोई दंग। ज्योति माल्या विवाद के बीच कमांडेंट मनीष दुबे की शादी की तस्वीरें वायरल। तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे आप, मनीष तो बड़ा खिलाड़ी निकला। अभी तक आलोक मौर्य चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रहे थे, कह रहे थे मेरी पत्नी बेवफा है, लेकिन ज्योति मौर्य को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने खुलकर बगावत करते हुए एक बार फिर साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अब सफाई कर्मी आलोक के साथ नहीं रहने वाली। ज्योति ने अब कसम खा ली है कि वो आलोक से तलाक लेकर ही रहेंगी। लेकिन इसी बीच खबर आलोक के घर वालों की तरफ से आ रही है, जहां पर आलोक के पिता की तबीयत बेहद खराब हो गई है। उन्होंने बुढ़ापे में ऐसा कुछ होगा इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ दिनों पहले आलोक के बुजुर्ग पिता अपनी बहू की तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे। हर किसी से कह रहे थे कि मेरी बहू एसडीएम है, लेकिन अब जब उसी ने नाक कटवा दी तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। कोई भी मीडिया वाला जैसे ही उनके घर पर पहुंचता है, उनके सामने वो फफक फफक कर रोने लगते हैं और कहते हैं भैया मुझे न्याय दिला दो, मेरे बेटे को भी फंसाने की कोशिश हो रही है। आलोक मौर्य पहले ही इस बात की आशंका जता चुके हैं कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं, इसीलिए पुलिस से उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन क्योंकि ज्योति मौर्य एक एसडीएम है तो उन पर तुरंत एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब खबरों की माने तो ज्योति का भाई आलोक दुबे के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। हालांकि उसका मकसद क्या है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आलोक ने अपनी जान को खतरा बताया है। पर जिस तरह से आलोक मौर्य के परिवार वालों की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है, उससे आलोक के पिता बहुत ज्यादा दुखी हैं और कह रहे हैं कि काश वो ज्योति मौर्य से अपने बेटे की शादी ना किए होते। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि इसी बीच अब ज्योति मौर्य के कथित आशिक मनीष दुबे ने भी आलोक पर हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसने आलोक पर तंज कसते हुए कहा है कि जो ज्योति मौर्य को पढ़ाने लिखाने की बात कर रहा है वो ये तक नहीं बता सकता कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। पढ़ाने लिखाने का मतलब बचपन से होता है। आज जहां हम बैठे हैं वहां कोई किसी को बना सकता है क्या? यानी सीधे तौर पर मनीष दुबे ने आलोक को नीचा दिखाने की कोशिश की। इससे पहले ज्योति मौर्य के भी कुछ ऑडियो वायरल हुए थे, जिनमें दावा किया गया था कि ज्योति मौर्य आलोक को बुरा भला कह रही हैं। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लगे कि ज्योति मौर्य ने आलोक को कुछ जाति सूचक शब्द भी कहे। लेकिन इसी बीच अब मनीष दुबे की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सामने आए एक दस्तावेज में इस बात का खुलासा हुआ कि उसने 2 साल पहले ही तनु पाराशर नामक युवती से शादी की थी। वायरल दस्तावेजों के मुताबिक लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में 5 अगस्त 2021 को मनीष दुबे और तनु पाराशर का प्रेम विवाह हुआ था। जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उनमें मनीष दुबे काफी खुश दिखाई दे रहा है, मतलब वो उस समय अपनी शादी से खुश था। लेकिन आलोक मौर्य का आरोप है कि उसकी वजह से ही उनका घर टूट गया और उनकी पत्नी ने उनसे बेवफाई की। हालांकि मामला अब योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है और इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। न सिर्फ ज्योति के खिलाफ बल्कि मनीष दुबे के खिलाफ भी जांच तेज कर दी गई है। लोग तो यहां तक मांग कर रहे हैं कि तुरंत आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए और उनका इंसाफ ज्योति मौर्य की नौकरी जाना ही होगा, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद ही ज्योति मौर्य ने आलोक से बेवफाई की। अब देखने वाली बात होगी कि आलोक मौर्य को कितनी जल्दी इंसाफ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। पत्नी दे रही थी पति को धोखा, रात को आशिक को बुलाकर खाती थी बाटी चोखा, पति ने रंगे हाथों पकड़ा कर दिया ऐसा काम, हर कोई रह गया हैरान। 2 बच्चों की मां का 3 बच्चों के पिता से चल रहा था अफेयर, कर रहे थे एक दूसरे का केयर, पति ने रात को रंगे हाथों दोनों को पकड़ा, इसके बाद जो हुआ उड़ गए सभी के होश। इधर अभी आलोक मौर्य के मामले में पत्नी के धोखा देने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि उधर बिहार से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पति ने ना तो पत्नी को पढ़ा लिखा कर आईएएस पीसीएस बनाया और ना ही किसी बाहर नौकरी करने के लिए पत्नी को भेजा, खुद दिन रात मेहनत करके पत्नी के लिए गहने बनवा रहा था, बच्चों के पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा था। पत्नी भी बहुत चालाक थी, पति के घर आते ही उसके आगे पीछे घूमने लगती थी। पति को यही लग रहा था कि उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आस पड़ोस के लोगों ने उसको बताया कि जब तुम घर पर नहीं होते हो तो तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ इश्क लड़ाती है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक दिन जब वो रात में काम पर बाहर गया हुआ था तो पत्नी का आशिक घर पर आ गया। बताया गया कि इसी के बाद पड़ोस के ही एक आदमी ने उस आदमी को बताया कि तुम्हारी पत्नी अपने आशिक से मिल रही है, आकर खुद ही सबूत देख लो। मामला बिहार के नवादा का है। पति भी काम धाम छोड़कर जल्दी से जल्दी तुरंत अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसका सिर चकरा जाता है। जिस पत्नी के लिए वो दिन रात काम कर रहा था वो उसे धोखा देगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन जब पत्नी का काला सच उसके सामने आ गया तो उसकी सब्र का बांध भी टूट गया।
हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसने अपनी पत्नी को ना मारा और ना ही पीटा, बल्कि ऐसा कदम उठा लिया जिसे देखकर गांव वाले भी सन्न रह गए। बताया गया कि उसने पत्नी के आशिक को पहले तो घर में बांधा और बाद में उसकी जमकर पिटाई की, क्योंकि वो भी 3 बच्चों का बाप था, और उसने अपनी बीवी के साथ धोखा करते हुए उसका घर बर्बाद कर दिया। पिटाई करने के बाद उसने पत्नी के आशिक को मरहम भी लगाया और बाद में सभी गांव वालों को आवाज लगाकर बाहर बुला लिया और पत्नी के आशिक के बारे में सबको बताते हुए पूछा कि अब इनके साथ क्या किया जाए। गुस्साए गांव वालों ने दोनों की शादी कराने का फैसला किया। फिर क्या था, पति अपनी पत्नी और उसके आशिक को घसीटते हुए मंदिर ले गया और इसके बाद दोनों की शादी करवा दी। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उस महिला का आशिक उसकी मांग में सिंदूर भरता दिख, हालांकि उस दौरान महिला रोती दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उसकी एक न सुनी और पति ने उसे बेवफा बताते हुए उसके आशिक से ही शादी करवा कर उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया। ये काम करके गांव वालों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर आगे भी कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मामले में किसी ने पुलिस से शिकायत भी नहीं की। पति और पत्नी का रिश्ता भरोसे का होता है, दोनों साथ में जीने और मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन जब कोई इस रिश्ते को कलंकित करता है तो न सिर्फ समाज में गंदगी फैलती है बल्कि किसी की अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इन दोनों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी तो हर किसी की जुबान पर है, जिसमें आलोक ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उनसे बेवफाई कर रही है। आलोक की पत्नी ज्योति ने उनसे तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी है, हालांकि उन्हें अभी तलाक नहीं मिला है। आलोक और ज्योति के मामले ने पूरे देश में तहलका मचाने का काम किया, लेकिन जब इसी बीच बिहार के नवादा से ये मामला सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दोनों की शादी करवा कर ठीक किया गया या ऐसा नहीं करना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय दें।